चीकू तो आप सभी को जरूर पसंद होगा और इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी आप जानते होंगे। पर क्या आप ये जानते हैं कि आप चीकू घर पर भी उगा सकते हैं, वो भी गमले में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चीकू को बीज से और ग्राफ्टेड पौधे से उगाने और गमले में ढेरों चीकू पाने का सिंपल तरीका पूरे 3 साल के अपडेट्स के साथ। वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा कि चीकू के पेड़ में फल क्यों नहीं आते या सभी फूल फल बनने से पहले ही क्यों सूखकर गिर जाते हैं। इन प्रॉब्लम्स का ट्राइड एंड टेस्टेड ऑर्गेनिक सॉल्यूशन और वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो चीकू के पौधे में इस तरह की अच्छी फ्रूटिंग पाने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चीकू को सेपोडिला या सेपोडा भी कहते हैं। ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट होता है और इसका पेड़ जमीन में उगाया जाता है, पर आप अपनी बालकनी, लॉन या टेरिस पर इसे गमले में भी आसानी से उगा सकते हैं। जमीन पर लगा चीकू का पेड़ 30 फीट का भी हो सकता है, पर चीकू की ऐसी कई वैरायटीज भी हैं जो गमले में न सिर्फ आसानी से उग जाती हैं, बल्कि अच्छी फ्रूटिंग भी करती हैं। कंटेनर में इसका साइज 7-8 फीट से ज्यादा नहीं बढ़ता है। चीकू के पौधे को बीज से और ग्राफ्टेड प्लांट से भी उगाया जा सकता है। इस वीडियो में मैं बीज से उगाए गए चीकू के पौधे और ग्राफ्टेड पौधे दोनों का 3 साल का टोटल ग्रोथ अपडेट दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको चीकू का पौधा बीज से उगाने का तरीका बताने वाला हूं। सीड से उगाने के लिए आपको चाहिए अच्छी वैरायटी के पूरी तरह से पके हुए चीकू। अब मैं चीकू में से बीज निकाल रहा हूं। यदि सीड्स को हम सीधे मिट्टी में लगा दें तो इसमें फंगस लग सकती है। चीकू जैसे हार्ड शेल वाले सीड्स सीधे मिट्टी में डालने पर कई बार इसलिए भी जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनका बीज हार्ड शेल के अंदर होता है। तो अब हम इसे वेट टॉवल मेथड से जर्मिनेट करेंगे। इसके लिए मैं लूंगा एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉक्स। अब इसमें एक भीगा हुआ हैंड टॉवल रखिए। इसके ऊपर सीड्स को रखकर टॉवल से कवर कर दीजिए। अब बॉक्स को बंद करके शेड में रख दीजिए। सीड्स को इस बॉक्स में रखे हुए 10 दिन हो गए हैं। चलिए देखते हैं जर्मिनेशन की क्या प्रोग्रेस है। इसमें से कुछ सीड्स का शेल खुल गया है और कुछ में जर्मिनेशन प्रोसेस भी शुरू हो गई है। अब इसे कुछ और दिनों के लिए छोड़ देते हैं ताकि सभी सीड्स जर्मिनेट हो सके। यदि टॉवल सूखने लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हल्का सा मॉइस्ट कर लीजिए। 15 दिनों बाद जैसा कि आप देख सकते हैं सभी सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं और सभी में रूट्स निकल आई हैं। अब इन्हें भुरभुरी सॉइल मिक्स में ट्रांसफर कर देंगे जिससे सीडलिंग का रूट डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सके। इस छोटे पॉट में मैंने 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके भर लिया है। अब जर्मिनेटेड सीड्स को इसमें लगाएंगे। इसे इस तरह से लगाएं कि ये जो रूट आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ रहे। अब इस कंटेनर को शेड में रखना है। पैतालीस दिनों बाद दो सीडलिंग्स ग्रो हो चुके हैं और इनमें 2-3 ट्रू लीव्स भी निकल आई हैं और अब ये गमले में ट्रांसफर किए जाने के लिए तैयार हो गए हैं। चीकू का पौधा घर पर उगाने के लिए प्लास्टिक की जगह मिट्टी या सीमेंट के गमले बेस्ट होते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए चीकू के पौधे को 18 इंच या उससे भी बड़े पॉट में लगाना चाहिए। गमले के अच्छे ड्रेनेज के लिए इसके नीचे 2-3 ड्रेनेज होल जरूर होना चाहिए। चीकू का प्लांट गमले में उगाने के लिए न्यूट्रिशन से भरपूर वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉइल की जरूरत होती है। घर पर ही बेस्ट सॉइल मिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए गार्डन सॉइल 50%, वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद 30%, कोकोपीट या रिवर सैंड 20% और 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर जो नेचुरल एंटीफंगल का भी काम करता है। मैंने इस 10 इंच के मिट्टी के गमले के नीचे बारीक ग्रेवल्स की 1 इंच लेयर डालकर इसमें तैयार मिट्टी भर दी है। अब सीडलिंग्स को इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए इसमें काफी अच्छा रूट सिस्टम डेवलप हुआ है। अब मैं इसे 10 दिन तक शेड में रखूंगा और उसके बाद इसे फुल सनलाइट में शिफ्ट कर दूंगा। चीकू का पौधा उगाने का सबसे अच्छा, आसान और तेज तरीका होता है नर्सरी से अच्छी वैरायटी का ग्राफ्टेड प्लांट खरीदकर उसे उगाना। वैसे तो चीकू की कई वैरायटीज होती है, लेकिन गमले में सबसे आसानी से उग जाने वाली वैरायटी होती है क्रिकेट बॉल वैरायटी, जिसके फ्रूट्स बॉल की जैसे गोल होते हैं।
और काली पत्ती वैरायटी जिसमें अंडे के शेप वाले ओवल चीकू आते हैं। ये दोनों सबसे कॉमन वैरायटीज हैं और आपके आसपास की किसी भी बड़ी नर्सरी पर इसके ग्राफ्टिंग से तैयार पौधे बहुत आसानी से मिल सकते हैं। ये क्रिकेट बॉल वैरायटी का ग्राफ्टेड चीकू प्लांट है। इसे मैंने अपनी लोकल नर्सरी से 150 रुपए में खरीदा है। नर्सरी से प्लांट खरीदते समय हमेशा ध्यान रखें कि प्लांट हेल्दी और थोड़ा बुशी हो। नर्सरी से लाए हुए प्लांट को मैंने इस 18 इंच के टेराकोटा पॉट में ट्रांसफर कर दिया है। इसमें मैंने वही सॉइल मिक्स भरा है जो मैंने सीड से उगाए जाने वाले चीकू प्लांट के गमले में भरा था। गमले में अच्छी तरह से पानी देकर इसे ऐसी जगह रखें जहां दिन के ज्यादातर समय धूप आती हो। सीड से चीकू के इस पौधे को शुरू किए हुए 4 महीने हो चुके हैं और पौधे में 10-12 पत्तियां भी आ गई हैं। हालांकि शुरुआत के 6 महीने पौधा काफी धीरे बढ़ता है, इसलिए पौधे को घना बनाने के लिए मैं इसके ऊपर की ग्रोइंग टिप को इस तरह से काट देता हूँ। ऐसा करने से इसमें नई साइड ब्रांचेस निकलेंगी और पौधा घना होना शुरू हो जाएगा। चीकू का ये ग्राफ्टेड प्लांट 1 साल का हो गया है और 1 साल में इसमें काफी नई ब्रांचेस भी आ चुकी हैं, जिससे ये बुशी हो गया है। पौधे में फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। फूल आने से लेकर फ्रूट मैच्योर होने तक की प्रोसेस में 5 से 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन इस स्टेज पर हमें पौधे से फ्रूट्स नहीं लेना है, इसलिए मैं इन सभी फूलों को तोड़ लेता हूँ। इस तरह से चीकू के फूलों को तोड़ना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फूलों को हटाने से प्लांट अपनी एनर्जी फ्रूट की जगह ब्रांचेस की ग्रोथ में लगाएगा, जिससे पौधे की फूलियज की ग्रोथ तेजी से होने लगेगी और पौधा घना हो जाएगा। सीड से उगाया चीकू का पौधा भी अब 1 साल का हो गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले साल इसकी टिप काटने की वजह से आसपास से नई शूट्स निकली हैं और पौधा काफी घना हो गया है। जब भी आपको गमले में इस तरह की वीड्स यानी खरपतवार उगी हुई दिखे तो उन्हें जड़ से उखाड़ लीजिए, क्योंकि ये पौधे का न्यूट्रिशन चुराती रहती हैं। अब इसमें 2 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर गुड़ाई कर दीजिए, इससे प्लांट की ग्रोथ और तेज हो जाएगी। हमारा ग्राफ्टेड चीकू प्लांट अब 2 साल का हो चुका है। इसका तना भी मोटा हो गया है और इसमें कई सारी नई ब्रांचेस भी निकल आई हैं। इसमें दोबारा फ्लावरिंग शुरू हो गई है। फ्लावरिंग शुरू होते ही इसे ऑर्गेनिक कंपोस्ट से फर्टिलाइज करना चाहिए। ग्राफ्टेड प्लांट अब 2.5 साल का हो चुका है। पिछली फ्लावरिंग के लगभग सभी फ्लावर्स झड़ गए थे और अब इसमें दोबारा फ्लावरिंग शुरू भी हो गई है। इस बार की फ्लावरिंग में हर एक ब्रांच के फ्लावर फ्रूट बन सके, इसलिए अब मैं इस पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मेथड अपनाने वाला हूँ। हर ब्रांच में ढेर सारे फ्लावर्स होते हैं, इनमें से मैं सिर्फ एक सबसे हेल्दी फ्लावर को छोड़कर बाकी सभी फ्लावर्स को हटा रहा हूँ। ऐसा करने से इस अकेले फूल के फल में कन्वर्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। पर यह मेथड सिर्फ गमले में उगाए जाने वाले चीकू प्लांट पर ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि गमले में ये लिमिटेड रिसोर्स के साथ उगते हैं। पिछले महीने मैंने इस प्लांट से हेल्दी फ्लावर को छोड़कर बाकी सभी को हटा दिया था और वो हेल्दी फ्लावर्स अब फ्रूट में कन्वर्ट हो गए हैं। दोस्तों, ग्राफ्टेड चीकू के प्लांट को इस पॉट में लगाए हुए लगभग 3 साल हो गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पर कई चीकू भी लग रहे हैं। इस समय प्लांट में जितने चीकू लग रहे हैं, पिछले महीने इससे डबल चीकू इसमें थे, पर लास्ट मंथ तेज आंधी चली थी जिससे ज्यादातर चीकू झड़ गए थे। फिलहाल इसमें मैच्योर्ड चीकू भी लग रहे हैं और साथ ही साथ अगले सीजन की फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जब चीकू लगभग इस साइज के बराबर मोटे हो जाएं, तो इन्हें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो अब मैं इन मैच्योर्ड चीकुओं को हार्वेस्ट कर लेता हूँ। हार्वेस्टिंग के बाद मैं इस प्लांट को इस गमले से निकालकर 24 इंच डायमीटर वाले मिट्टी या सीमेंट के गमले में रिपॉट कर दूंगा। ज्यादातर चीकू डाल पर नहीं पकते, इसलिए हार्वेस्ट किए हुए ये चीकू अभी काफी कच्चे हैं और कड़क भी हैं। तो इन्हें पकाने के लिए मैं इन्हें अखबार में अच्छी तरह से लपेटकर अलमारी में बंद करके कुछ दिनों के लिए रख देता हूँ। छह दिनों बाद पेपर को खोलकर देखते हैं कि चीकू पके हैं या नहीं। देखिए, ये सॉफ्ट हो गए हैं और पूरी तरह से पक चुके हैं। देखने में तो ये काफी टेस्टी और जूसी लग रहे हैं।
अब मैं इनमें से एक को जरा टेस्ट करके देखता हूँ। दोस्तों, आपने सुना होगा मेहनत का फल मीठा होता है, पर यकीन मानिए इससे मीठा और फ्रेश चीकू मैंने कभी नहीं खाया। बीच से उगाया हुआ मेरा ये दूसरा चीकू का प्लांट लगभग 3 साल का हो गया है और इसमें पहली बार फ्लावरिंग भी शुरू हुई है। हालांकि ये सारे फ्लावर्स कुछ दिनों बाद सूखकर गिर जाएंगे और इसमें से कोई भी फूल फल में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि बीज से उगाए गए चीकू को फल प्रोड्यूस करने लायक मैच्योर होने के लिए 4 से 5 साल या कभी कभी उससे भी ज्यादा समय लगता है। फिलहाल बरसात का मौसम है तो मैं इस प्लांट को 18 इंच के मिट्टी के गमले में रिपोर्ट कर दूंगा। चीकू एक ट्रॉपिकल प्लांट है, इसलिए इसे फलने फूलने के लिए ढेर सारी धूप की जरूरत होती है। इसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां इसे कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप मिल सके। यदि इसे बहुत कम धूप मिलेगी तो इसमें शायद कभी भी फल नहीं आए। गमले में चीकू के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए इसे समय समय पर फर्टिलाइज करते रहना बहुत जरूरी है। महीने में एक बार इसमें 2 मुट्ठी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालिए और हल्की गुड़ाई कर दीजिए। कंपोस्ट से पौधे की नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की जरूरत पूरी हो जाती है, मगर अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत भी होती है। गमले में फ्रूटिंग पाने के लिए महीने में एक बार बायोजाइम डालना चाहिए, इसे काले दाने भी कहते हैं। बायोजाइम नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट से बना ऑर्गेनिक ग्रोथ बूस्टर होता है। इसमें वो सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों को ग्रोथ की हर स्टेज पर चाहिए होते हैं। इससे फलों में भी तेजी से ग्रोथ होती है। इस साइज के गमले में आधी मुट्ठी बायोजाइम ग्रेन्यूल्स डालकर हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए। बायोजाइम आपकी सिटी की किसी भी बड़ी एग्रीकल्चर स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, यदि ना मिले तो ये ऑनलाइन भी कई वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। वैसे तो चीकू के प्लांट को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती है, पर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो प्लांट साल भर हेल्दी रहेगा और गमले में भी फल देता रहेगा। कई व्यूअर्स ने मुझसे अपने चीकू ट्री से जुड़े इश्यूज शेयर किए थे, जैसे कई साल का होने के बाद भी फल नहीं आना, फूल झड़ जाना और फल छोटे में ही गिर जाना। 3-4 साल का या उससे भी बड़ा होने के बाद भी यदि चीकू का पेड़ फल नहीं दे रहा है तो जरूर वो बीज से उगाया हुआ होगा, क्योंकि बीज से उगाए हुए चीकू के पौधे को फल देने लायक मैच्योर होने के लिए 4-5 साल या कभी कभी उससे भी ज्यादा समय लगता है, चाहे आप गमले में उगाएं या जमीन पर। यदि गमले में लगे चीकू के सारे फूल सूखकर इस तरह झड़ रहे हैं तो इसके 2 कारण होते हैं, जिसमें से पहला कारण होता है ओवर वाटरिंग। फ्लावरिंग शुरू होने पर ज्यादा पानी देने से पौधे की जड़ों में ज्यादा मॉइस्चर हो जाता है और जड़ें मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए पौधा अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए फूलों को गिरा देता है। तो फूल आना शुरू होने के बाद पौधे में तभी पानी डालिए जब ऊपर की मिट्टी सूखी महसूस हो। फूल गिरने का दूसरा कारण है पुअर सॉइल और न्यूट्रिशन की कमी। फूलों को फल बनाने और उन्हें मैच्योर करने के लिए पौधे को बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए फ्लावरिंग शुरू होने से लेकर फल मैच्योर होने तक हर 15 दिन में एक बार 2 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालकर हल्की गुड़ाई कर दें और आधी मुट्ठी बायोजाइम या सीवीड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइजर भी मिला दें। दोस्तों, ये मेरे गार्डन में लगा हुआ 7 साल पुराना चीकू का ग्राफ्टेड ट्री है। यदि आपने इस तरह का बड़ा चीकू का पेड़ जमीन में उगाया हुआ है और उसके फूल भी झड़ रहे हैं, तो जैसे ही पेड़ में कलियां आना शुरू हों, आपको पेड़ों की जड़ों में डालना होगा एक स्पेशल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिक्स, जिसे बनाने के लिए आपको चाहिए 2 किलो अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद, 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर, 2 मुट्ठी बोन मील पाउडर। बोन मील पाउडर की जगह आप केले के छिलके सुखाकर उसका पाउडर भी बनाकर डाल सकते हैं। यदि आपके पास बायोजाइम उपलब्ध है तो इसमें 2 मुट्ठी बायोजाइम भी मिला सकते हैं। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरा चीकू ट्री का तना लगभग 4 इंच मोटा है। अब मैं इसके तने से 1 फीट दूरी पर एक 4 इंच गहरी नाली गोलाई में खोद रहा हूं। अब खाद के इस मिक्स को इस नाली में इवनली भर दीजिए और इसे मिट्टी से कवर कर दीजिए। ऐसा करने से न्यूट्रिशन सीधे रूट बॉल के पास जड़ों को मिल जाएंगे, जिससे फूल झड़ना बंद हो जाएंगे। इसके बाद 1 लीटर पानी में 5 ml सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड मिलाकर पूरे प्लांट पर अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए। इन दोनों स्टेप्स को फल आने तक हर महीने रिपीट कीजिए। स्प्रिंग सीजन में गमले में लगे प्लांट को हर 2-3 साल में 4 इंच बड़े गमले में नई मिट्टी के साथ रिपोर्ट करना चाहिए।
इससे पौधे में नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इन सिंपल टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके आप भी अपनी छत या बालकनी में चीकू का पौधा उगाकर ऐसी शानदार फ्रूटिंग पा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।